बैक टू साइबर किंग। और गाइस इस वीडियो में आपके साथ फिर से शेयर करने वाला हूँ MIUI 12 के बेस्ट थीम जो काफ़ी ज़्यादा कूल कस्टमाइजेशन के साथ आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही MIUI 12 थीम देखने के लिए हम लोग के साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला जो हमारा थीम है उसका नाम है जियान ब्लू, और चलिए इस थीम को अप्लाई करके देख लेते हैं इसके चेंजेस। इस थीम का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और ये थीम आपको थीम स्टोर लिंक और साथ में आपको इसमें आपको MTJ डाउनलोड लिंक भी देखने को मिलेगा। तो जो लोग चाइना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो MTJ से अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो थीम अप्लाई हो चुका है, और चलिए हम लोग होम स्क्रीन पर चलते हैं। होम स्क्रीन पर कुछ आइकन एनिमेटेड आपको देखने को मिल जाता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं बैक करता हूँ तो देख सकते हैं आइकन इसमें एनिमेटेड देखने को मिलता है, और ये थीम भी काफ़ी आपको अच्छा लगा क्योंकि इसमें चार्जिंग एनिमेशन बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको कंट्रोल सेंटर दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। तो कंट्रोल सेंटर इसमें आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है। साथ में अगर हम लोग इसमें लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन एकदम मस्त सा देखने को मिलता है, देख सकते हैं। इस पर क्लॉक विजिट है वो डिफरेंट और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। चार्जिंग एनिमेशन की बात करें तो चार्जिंग एनिमेशन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि काफ़ी कूल लगता है। फिर से मैं चार्ज लॉक करके दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट थीम के बारे में आपको मैं बताता हूँ, उसका नाम है इनपिटी, और ये थीम भी काफ़ी अच्छा आइकन के साथ आता है। तो चलिए इस थीम को अप्लाई करके हम देख लेते हैं चेंजेस। तो थीम अप्लाई हो चुका है, और होम स्क्रीन में सबसे पहले चलते हैं तो आपको होम स्क्रीन में कुछ इस प्रकार के चेंजेस वाले आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा तरह से मैच करता है आपको वॉलपेपर के साथ। अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर आपको इसमें ट्रांसपेरेंट कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है, और नोटिफिकेशन पैनल आपको ऐसा एकदम स्टॉक जैसा ही देखने को लग रहा है। अगर डायलॉग पैड की बात करें तो डायलॉग पैड में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद से अगर हम लोग लॉक स्क्रीन पर चलें तो लॉक स्क्रीन भी आपको इसमें सिंपल सा देखने को मिल जाता है। इस थीम में मेनली इसका जो आइकन पैक है वो मेरे को अच्छा लगा, इस वजह से मैं इस थीम को और इसमें यूज करा। अगर चार्जिंग एनिमेशन चेक करें तो इसमें चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को नहीं मिल पाता है। तो ये थीम आप जरूर से ट्राई करना है, क्योंकि इसका जो आइकन पैक है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए अब नेक्स्ट थीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, अगला जो थीम है उसका नाम है रियल OX 13 ड्यूअल, और इस थीम को मैं पहले ही अप्लाई कर दूँगा। और होम स्क्रीन पर अगर देखें तो इसका जो आइकन है वो iOS की तरह देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग डायलर पैड को देखें तो डायलर पैड भी आपको इसमें iOS की तरह देखने को मिल जाता है, और नोटिफिकेशन सेट भी iOS 13 की तरह देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप। अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर भी आपको iOS की तरह देखने को मिलता है, क्योंकि कंट्रोल सेंटर iOS की तरह देखने में लगता ही है। साथ में इस थीम में आपको बूट एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है, जो इस फ़ोन में मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसमें बूट एनिमेशन सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं बूट एनिमेशन के लिए। अगर लॉक स्क्रीन की बात करें तो आपको लॉक स्क्रीन भी iOS की तरह देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक ऊपर बटन देखने को मिलता है जिसको स्लाइड करने यहाँ पे आपको फिर से कंट्रोल सेंटर ही ओपन होता है, देख सकते हैं। तो ये थीम iOS से इंस्पायर्ड, जो iOS वाले थीम ज़्यादा पसंद करते हैं वो ये थीम आप यूज कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि ये थीम कैसा था। चलिए नेक्स्ट थीम के बारे में बता देता हूँ, और नेक्स्ट जो थीम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा थीम है। चलिए नेक्स्ट थीम। सो गाइस, ये जो थीम है इसका नाम है चेंज, और ये थीम को अप्लाई करके देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो थीम है MIUI 11 पे और 12 पे दोनों पे काम करता है, जैसे मैं देख सकते हैं मेरे में MIUI 12 है
तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि इसमें भी आपको ये परफेक्टली वर्क करता है ये थीम, और ये थीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं इस थीम को। तो थीम अप्लाई हो चुका है और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें जो होम स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो यहाँ पर आपको एनिमेटेड आइकन भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं, मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। और अगर इसमें कंट्रोल सेंटर अगर हम देखें तो हम कंट्रोल सेंटर इसमें भी ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है, और डॉलर पैड में कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। अगर सेटिंग में आपको इसमें दिखाऊं तो आपको सेटिंग में भी खास चेंज देखने को नहीं मिलता है इस थीम में। सबसे इम्पोर्टेंट इस थीम में आपको इसमें लॉक स्क्रीन इसका लगेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर का नाम राफेल हेनरिके दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे थीम बनाते हैं, इनका थीम आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये थीम चेंज ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाता है, और अब जब साइड में स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे चेंज यहाँ पे लिखाता है, जहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको वेदर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे स्टेप काउंट भी देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे अली पे पेमेंट और बहुत रिचार्ज वगैरह वगैरह देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको यहाँ पे क्विक टॉगल्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट सेटिंग में भी जा सकते हैं। उसके बाद से अगर आप डबल टैप करते हैं स्क्रीन पे तो आपको ऐसा सेटिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे वॉलपेपर में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये थीम बहुत ही अच्छा है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप बहुत सारे इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट कलर, ब्लर, कंटेंट ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ये सारी चीज़ें भी इस थीम में आप कर सकते हैं। उसके बाद म्यूजिक आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप लॉक का स्टाइल भी चेंज कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग, देख सकते हैं। फिर आपको डबल टैप करना है, ये सारे आ जाए, डिफॉल्टिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल मैं। और यहाँ पर अगर जब आते हैं तो देख सकते हैं ये भी आपको डिज़ाइन दिया हुआ क्लॉक का, तो इसको भी आप चेंज कर पाएंगे, ये वाला भी क्लॉक आप सिलेक्ट कर सकते, कोई सा भी आप क्लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत कूल सा चार्जिंग देखने को मिल जाता है, तो इसको चार्ज में लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा फ़ोन चार्ज में लग चुका है और पहले इसको मैं होम पे आ जाता हूँ। इस पर अगर चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड के साथ पूरा मैच करता है और काफ़ी फील लग रहा है आपको देखने में। तो ये थीम जरूर आप ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप ये कैसा लगे, और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं। हाँ, और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अगले वीडियो में कुछ चाइनीज थीम के एनिमेशन शेयर करने वाला हूँ, और जितने सारे थीम्स रहेंगे सारे थीम्स के चाइना वालों ने उसको ट्रांसलेट से करके उसको मैं इंग्लिश में करके आपको मटीरियल प्रोवाइड करूँगा। तो आप कोई सभी थीम चाहते हैं तो चाइना वर्जन में उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हूँ, तो वहाँ जाके आप भेज सकते हैं उसका एमटीजे और मैं उसको ट्रांसलेट करूँगा। चलिए अगला और लास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको इसमें किस प्रकार के थीम देखने को। और गाइस ये जो थीम इसका नाम है अरोमा, और ये थीम सिम डेवलपर द्वारा डेवलप करा गया है, और ये काफ़ी कूल फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए इस थीम को मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ इसके लिए। तो थीम अप्लाई हो चुका है, और होम स्क्रीन सबसे पहले हम लोग चलते हैं, तो होम स्क्रीन का आपको जो आइकन्स है एक बार देख पा रहे होंगे, आइकन जो है एनिमेटेड है, और ये कल क्लॉक से भी आपको एनिमेटेड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। और कंट्रोल सेंटर अगर मैं आपको इस फोन में दिखाऊँ तो कंट्रोल सेंटर भी आपको इसमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है, देख पा रहे होंगे आप।
साथ में अगर डायलर पेड की बात करा जाए तो डायलर पेड में खास मिलता है जो डायरेक्ट निकलिए लॉक स्क्रीन दिखा देता हूँ जो भी सो गुड गाइस लॉक स्क्रीन के आप आपको देखने को मिल जाता है ओवर एक्सपोज और देख लीजिए तो आप यहाँ से वॉलपेपर सिलेक्ट कर पाएंगे आप देख पा रहे हैं इस तरह से वॉलपेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो आप चेंज कर पाएंगे अगर म्यूजिक आपको दिखाऊँ तो म्यूजिक भी फुल आपको देखने को मिल जाता है देख पा रहे हैं मैं साथ में आपको यहाँ पे कंपेस भी देखने को मिलता है जो यूआई के साथ काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा है इसमें और यहाँ पे आपको कैलेंडर भी देखने को मिल जाता है उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है और साथ में आपको नीचे करते हैं तो कारवास और वीकेस्ट यूवी अभी जो है वो दिखा रहा है मतलब गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है साथ में यहाँ पे आपको क्विक टॉगल्स भी देखने को मिलता है और यहाँ पे आप अपना अवतार सेट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जो मैं आपको सेटिंग में करके दिखाता हूँ सेटिंग में जाने के लिए आपको यहाँ पे ये डब्लू जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है उसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं फीचर दिया हुआ है लाइट मोड आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये डार्क मोड में सब दिन हो जाता है दोस्तों फुल फीचर तो मैं इसको फिर से लाइट में कर देता हूँ और मैं इस सेटिंग में चेक करता हूँ तो सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं फोकस मार इमर्सन मोड दिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें थी सबसे पहले मैं आपको इसमें अपना अवतार चेंज कर दी इसमें आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप चार्जिंग एनिमेशन चेंज कर पाएंगे ठीक है कस्टम अवतार यहाँ पे दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है तो गैलरी में से आपको कोई फोटो सेलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैं एक ये फोटो है इसको सेलेक्ट कर लिया कस्टम सिग्नेचर भी आप इसमें दे सकते हैं तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ मैं उसी को रहने देता हूँ एक मिनट वेट करते हैं फोन लॉक हो जाने लगते हैं तो फोन लॉक हो चुका है और इसमें आपको चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है आगे स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि आप किस इस प्रकार का यूज कर पाएंगे इसमें अवतार और इसमें जो अवतार है बैकग्राउंड में लग जाता है काफ़ी कूल लगता है देखने में ऐसे एक रैंडम फोटो कर या अगर आप अच्छी फोटो यूज करेंगे ये और अच्छा लगता है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज पसंद आए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए।